अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन बुखारा की रेसिपी। चिकन बुखारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रेसिपी है और ये बन के बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपका फिर और किसी भी तरह की चिकन की रेसिपी बनाने का दिल नहीं चाहेगा, ये इतना ज़्यादा लजीज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन बुखारा बनाना। चिकन बुखारा बनाने के लिए हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट लिए हैं नोट कर लीजिए। चिकन बुखारा में जाता है तंदूरी मसाला, अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। ये हमने लिया है चाट मसाला, ये हमने लिया है 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर, ये हमारी थोड़ी तेज़ है तो हमने 1/2 टीस्पून लिया है। कसूरी मेथी जिसे हमने रोस्ट करके और हाथ से हल्का सा क्रश कर लिया है 1 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून हमने लिया है जर्द रंग, ये खाने वाला रंग है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। ये सब हम इसी में डाल देंगे। ये चिकन हमारा 1/2 केजी है। ये हमने एक नींबू का रस लिया है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा, ये भी इसी में डाल देंगे। एक हमने लिया है अंडा, ये भी इसी में तोड़ के डाल देंगे। और ये हमारा कॉर्नफ्लोर है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं या कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। ये हमने लिया है 2 टेबलस्पून। और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी आप इसे कम से कम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए तो ज़रूर रखिए। चिकन को इन सारे मसालों के साथ हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है और इसे अब हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। चिकन हमारा आधे घंटे के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था और वो मैरिनेट हो गया है। अब एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें अब हम ये जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये डाल देंगे एक एक करके। एक साइड से ये हो गया, अब इसे पलट के दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसे पलटने के बाद जो गैस की फ्लेम है इसे हम स्लो कर देंगे। अभी तक हमारी गैस की फ्लेम हाई थी, अब इसे हम मीडियम स्लो करके पकाएंगे। दोनों साइडों से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया चिकन हमारा। और अब इसकी हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक दूसरा बर्तन चढ़ा लेंगे और इसको ऑयल में से निकाल के अलग रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम 4 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो मैं डालिए स्किप कर दीजिए, इसकी जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे, ये हमने लिया है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को हमने बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लिया है और प्याज़ों को बिल्कुल पिंक कलर का होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने थोड़ा सा भून लिया, अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले हमने क्या क्या लिया है एक बार आप देख लीजिए। ये हमने लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून नमक क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, 1/2 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला। सारे जितने भी पाउडर्ड मसाले हैं सब इसी में डाल देंगे और मसालों को हल्का सा भून लेंगे। गैस हमारी मीडियम लो पे है, हाई नहीं रखेंगे वरना मसाले जलने लगेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पीस के हमने इनका पेस्ट बना लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे। और अब गैस की फ्लेम को हाई करके तेल ऊपर आने तक मसालों को टमाटरों के साथ हम भून लेंगे। देखिए तेल मसालों से अलग हो गया है, इसका मतलब ये कि मसाले हमारे भून चुके हैं और मसालों का जो भी कच्चापन है वो सब बिल्कुल निकल चुका है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप गाढ़ा जमा हुआ दही। दही डालने के बाद पहले एक ही जगह अच्छे से इसको चला लेना चाहिए ताकि दही फिर एकदम से फटने ना पाए, और तेल अलग होने तक इसे भून लेंगे। देखिए दही और टमाटरों के साथ ये जो मसाले सब हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और तेल इनका बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सरफेस पे दिखाई दे रहा है। ये हमने काजू का पाउडर बना लिया है, 12 से 15 काजू के पीस से जिन्हें हमने पीस के इनका पाउडर बना लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, ये भी इसी में डाल देंगे हम। और इसमें 3-4 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे और एक उबाल आने तक इसे पकने देंगे। 1 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही पकने दिया और देखिए तो इसमें
तेज एकदम बिल्कुल ऊपर ऊपर तक आ गया सरफेस पे। जो हमने काजू पाउडर डाला था इसमें वो भी बहुत अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। और अब इसमें हमको ग्रेवी लगानी है, तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। और जब ये पानी मसालों में खौलने लगेगा तब इसमें हम चिकन डाल देंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस जो हमने ये फ्राई करके रखे थे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे चिकन के पीसेस का, ये सारे हम इसमें डाल देंगे। हमने चिकन के पीसेस को इसमें रहने दिया था और जितना भी ऑयल था इसे निकाल दिया था, सारा ऑयल हमने ड्रेन आउट कर दिया था इसमें से, और सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन बुखारा में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ये गाढ़ा गाढ़ा ही रहता है, तो ज़्यादा इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा इसको पतला नहीं कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे धीमे आंच पे रखेंगे। वैसे चिकन हमारा 60-70% तो कुक हो चुका है फ्राई करने में, तो बाकी जो कसर रह गई है वो अब पूरी हो जाएगी। और करीब इसे हम 10 से 12 मिनट स्लो आंच पे रखेंगे ताकि ये चिकन हमारा गल भी जाए और जो मसाले हैं सब चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिल जाए। अब देखिए ग्रेवी खोलने लगी है, इसे हम स्लो आंच कर देंगे और करीब 10 से 12 मिनट स्लो आंच पे पकने देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए हमने चिकन को धीमी आंच पे छोड़ दिया था और अब इसे खोल कर देखते हैं। ओ वाओ, देखिए चिकन बुखारा हमारा कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो चिकन बुखारा है ये दावतों के मेनू के लिए, आपकी पार्टी के मेनू के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही फटाफट चिकन बुखारा बनके तैयार हो जाता है। हमारा चिकन बुखारा बिल्कुल रेडी है और अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्चों को बीच से हमने तोड़ के रख लिया था, ये भी डाल देंगे, और 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया। और बस गैस की फ्लेम को हम टर्न ऑफ कर देंगे और बस इसे 2 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं, फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा चिकन बुखारा बनके तैयार है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।